नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मैं भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार करती हूँ और श्री हरि की कृपा से पापमोचनी एकादशी की पावन कथा आप सबके समक्ष कहने जा रही हूँ। जो दर्शक हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ पाते उनकी सुविधा के लिए इस वीडियो में इस कथा का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ण चोरी, पर स्त्री गामी, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने भगवान ब्रह्मदेव से कहा, हे महाराज, आप मुझे चैत्र मास में आने वाली पापमोचनी एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे मुनिवर, प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक समय मेधावी नामक एक महान ऋषि उसी वन में तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि भगवान शिव के परम भक्त तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। एक समय कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक एक अप्सरा को उस ऋषि के समीप भेजा। वह अप्सरा उस मुनि के आश्रम के समीप जाकर सुंदर ढंग से वीणा बजाने लगी और मधुर गीत का गान करने लगी। वह मुनि श्रेष्ठ मेधावी उन गीतों को सुनकर अपने आश्रम से बाहर आ गए और इस सुंदरी अप्सरा को देखकर, इस प्रकार उसे गान करते हुए देखकर तथा कामदेव के वाणी से परास्त होकर उसकी ओर आकर्षित हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर वह अप्सरा उस मुनि के समीप चली गई और वे दोनों रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी आभास नहीं रहा। कुछ वर्षों के पश्चात जब उस अप्सरा ने उस मुनि से स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा मांगी और कहा, हे मुनिवर, ना जाने कितने ही वर्ष मुझे यहाँ व्यतीत हो गए हैं, अब आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर जब ऋषि मुनि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए पूरे 57 वर्ष बीत गए हैं। तब उस अप्सरा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर वह मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे दिया। हे पापिन, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से पिशाचिनी हो जाएगी। उस मुनि के इस श्राप से भयभीत होकर वह अप्सरा उस मुनि के सामने नतमस्तक हो गई और कहने लगी, हे मुनिवर, आप मुझे
क्षमा कीजिए, आप मुझ अबला का उद्धार कीजिए, आप मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। यह सुनकर वह मुनि थोड़ा शांत हुए और कहने लगे, हे भद्रे, हे सुंदरी, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या को नष्ट किया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है, अतः तुम इस एकादशी का विधिवत व्रत करो। यह एकादशी का व्रत तुम्हारे सभी पापों को और तुम्हारे इस श्राप को नष्ट कर देगा। ऐसा कहकर वह मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि मुनि के आश्रम में चले गए। अपने पुत्र को देखकर उनके पिता च्यवन ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, यह तुमने क्या कर डाला है? तुमने तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए हैं। यह सुनकर उस मेधावी मुनि ने कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करने का महापाप किया है। आप मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे इस पाप का नाश हो जाए। यह सुनकर उस च्यवन मुनि ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी का तुम विधिवत व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगा। पिता का यह कथन सुनकर उस मेधावी मुनि ने इस एकादशी का विधिवत व्रत किया और इस व्रत के पुण्य से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वह पुनः अपनी तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार उस अप्सरा मंजूघोषा ने भी इस उत्तम व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच की योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर अप्सरा बनकर स्वर्ग को चली गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार जो मनुष्य इस पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, बोलो जय श्री नारायण। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहती हूँ। जो जातक एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।